हेलो फ्रेंड, मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कैसे सबसे इजीली आप मुंबई की जो इवेंट है उसको कैसे कंप्लीट कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले मैं अपना गूगल पे को ओपन कर लेता हूँ और मैं नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हो गो इंडिया के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखना, कहीं पर भी स्किप मत करना। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे मुंबई की अनलिमिटेड स्क्रैच कार्ड कैसे आप पा सकते हो। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, कहीं पर भी स्किप मत करना। मैं अपना सारे टिकट दिखा देता हूँ। इसमें से मेरे को जो मुंबई की टिकट है वो मेरे को पहले ही मिल गया था, फिर भी मैं मुंबई की जो इवेंट है उसमें मैं पार्टिसिपेट ले सकता हूँ। इस वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करना। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कैसे मुंबई की अनलिमिटेड स्क्रैच कार्ड कैसे पा सकते हो। तो इस वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करना। यहाँ पर देखो मेरा मुंबई का जो टिकट है वो मेरे को पहले ही मिल गया था, फिर भी मैं मुंबई की इवेंट पर पार्टिसिपेट ले सकती हूँ। उसके लिए मेरे को विजिट मुंबई ऑन गो के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर देख सकते हो स्टार्ट इवेंट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो स्टार्ट इवेंट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब देख सकते हो यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर जो है मेरा स्टार्ट हो गया है। तो इस इवेंट की सारे आंसर को मैं डाल लेता हूँ एक एक करके। मुंबई इवेंट की सारे आंसर को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मुंबई इवेंट की जो क्वेश्चन आंसर है वो सारे क्वेश्चन आंसर कॉमन है, एक ही क्वेश्चन आंसर को बार बार डालता है। 10 आंसर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उनमें से आपको जो 5 आंसर मिल जाएगा जब आप इस इवेंट पर पार्टिसिपेट करोगे क्वेश्चन आंसर के लिए। तो 10 आंसर देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो आंसर है वो कंप्लीट होने वाला है, बस मेरा कंप्लीट हो गया। तो देख सकते हो मेरा जो पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पर जो मुंबई के मेरा जो है स्क्रैच कार्ड जो मेरे को मिल गया है, तो मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं ओके के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। और एक बार मैं बैक जाके मैं दिखा देता हूँ स्क्रैच कार्ड में मेरे को कितना मिला है, ठीक है। तो मैं बैक आ गया। अब यहाँ पर रिवॉर्ड पर मैं क्लिक करता हूँ, अभी तक नहीं आया। यहाँ पर एक बार आप रिफ्रेश कर लेना इसको तो ये आ जाएगा। कभी कभार ये नेटवर्क की प्रॉब्लम से थोड़ा लेट आता है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत की कोई बात नहीं। आप यहाँ पर मैं दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूँ। हाँ जा यार, आ गया, देख सकते हो यहाँ पर। तो मेरा जो मुंबई की स्क्रैच कार्ड है वो यहाँ पर आ चुका है। तो मैं दिखा देता हूँ इसको स्क्रैच करके। अगर आप अनलिमिटेड स्क्रैच कार्ड पाना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा। मैं नया वीडियो बना के उसमें डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लेना कैसे आप अनलिमिटेड स्क्रैच कार्ड पा सकते हो। और उसके लिए आपको सिर्फ एक फ़ोन नंबर की ज़रूरत है। उस नंबर पर बैंक अकाउंट नहीं होगा फिर भी कोई बात नहीं, चलेगा। और कुछ ईमेल आईडी आप रेडी करके रखना। अगर आपके पास कुछ ईमेल आईडी है तो ठीक है, नहीं तो कुछ ईमेल आईडी आप बना लो। ईमेल आईडी बनाना उतना मुश्किल काम नहीं है, आप इजीली एक फ़ोन पर 5-7 ईमेल आईडी तो बना ही सकते हो। मेरी इस वीडियो की मदद से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो मेरे इस वीडियो को एक बार लाइक कर लेना और इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग अपना कीमती टाइम बर्बाद करके मेरी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत ही धन्यवाद।